हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल दिस इज एडवोकेट नवमिता सनगुप्ता आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर सहमति से डिवोर्स ना मिले आपको तो क्या कर सकते हैं डिवोर्स दो तरीका का होता है म्यूचुअल एंड कंटेस्टेड अगर दोनों पार्टी राजी हो विथ कंसेंट तो वो म्यूचुअल डिवोर्स कहलाता है अगर एक पार्टी डिवोर्स चाहता है और दूसरा पार्टी नहीं तो दैट कैन बी फाइल्ड एज कंटेस्टेड डिवोर्स म्यूचुअल और कंटेस्टेड दोनों में एक चीज बात होता है कि सेटलमेंट का बात अगर सेटलमेंट आसान तरीके से हो जाए तब म्यूचुअल फाइल करने में कोई इशू ना है अगर कंटेस्टेड हो तो पहले सेटलमेंट होना चाहिए सेटलमेंट लाइक चाइल्ड कस्टडी चाइल्ड बच्चा किसके पास रहेगा वो वाला सेटलमेंट बच्चा का खरपोश मेंटेनेंस कौन देगा वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके देगा या सिर्फ हस्बैंड देगा इस चीज के बारे में अगर कोई प्रॉपर्टी डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी हो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी किसके पास रहेगा ये सब को लेके जो डिविशन होता है इसका सेटलमेंट अभी लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड का मेंटेनेंस बहुत एंड रेयर केस होता है उसके बारे में हम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बट वाइफ का अगर मेंटेनेंस हो कितना अमाउंट मिलेगा वन टाइम मिलेगा या मंथली मिलेगा ये सब के बारे में पहले सेटलमेंट होता है कंटेस्टेड डिवोर्स का बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं लाइक like, अगर शादी के बाद बीवी या हस, हस्बैंड या वाइफ किसी को भी मालूम पड़े कोई प्रीवियस रिलेशनशिप हो और वो कंटिन्यू हो रहा है और इस, दैट इज़ अ ग्राउंड ऑफ़ एडल्ट्री तो इसके लिए भी डिवोर्स हो सकता है अगर फिज़िकल मेंटल फिनेंशियल या सेक्शुअल वायलेंस हो अगर एडल्ट्री तो मैं आपको बता दिया उसके साथ साथ अगर बायगामी रहे मतलब दोनों शादी रहे कोई भी पार्टी का या कोई रिलीजन चेंज कर दे तुरंत शादी के बाद इसके साथ साथ रहता है लाइक अगर एज या सेक्शुअल कोई डिजीज़ हो कोई भी पार्टी का सेवन ईयर्स या मोर देन सेवन ईयर्स और एटलीस्ट मिनिमम टू ईयर्स ऑफ सेपरेशन पीरियड रहे हस्बैंड वाइफ के बीच में तब भी कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल हो सकता है जुडिसडिक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फाइलिंग अ डिवोर्स लाइक जुडिसडिक्शन कैन बी पिटिशनर्स जुडिसडिक्शन या रेस्पॉन्डेंट जुरिस्डिक्शन प्लेस ऑफ मैरिज या लास्ट रिसाइडिंग एड्रेस ये सब पॉइंट्स को लेके जुरिसडिक्शन हम लोग रेडी करते हैं कौन सा कोर्ट में केस फाइल होगा कंटेसर डिवोर्स फाइल करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा जब आपका एडमिशन हियरिंग होगा उसके साथ आप प्लीट करेंगे कोर्ट पे कि आप रेस्पॉन्डेंट uh, को दैट इज़ द अपोजिट पार्टी को ताकि सामन प्रोसीड प्रोसीड करने के लिए समन मिलने के बाद अगर अपोजिट पार्टी या रेस्पोंडेंट जो हम लोग सिविल केस में रेस्पोंडेंट बोलते हैं वो अगर अपियर कर दे उसके बाद कंटिन्यू होता है केस उसके बाद उसको डब्लू एस दैट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा विद इन नाइन्टी डेज ऑफ द प्रोसीडियर्स अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट ना दे तो उसके लिए शो कॉज भी होता है और अगर समन रिसीव करने के बाद वो अपोजिट पार्टी या रेस्पॉन्डेंट ना आए कोर्ट पे कंटिन्यूस मोर देन टू टाइम्स या रिसीव हो पर वो ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है अवॉइड कर रहा है या अगर रिसीव ना हो कोई भी एक चीज़ हो मतलब डोर लॉक दिखाए समन कॉपी में कुछ भी दिखाए उसके बाद प्रोलॉन्ग चले मतलब जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग तो टू कम एनी मोर तो तब वो एक्सपार्टी हियरिंग कर सकते आप दैट इज वन साइडेड हियरिंग

आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट जो प्रोसीडिंग्स होता है रिकनसीलिएशन मीडिएशन उसके बाद एविडेंस एग्ज़ामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन उसके बाद कोर्ट आपको फैसला सुनाएगा ऑर्डर आएगा फाइनल ऑर्डर आएगा तो जिसका एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उस हिसाब से ऑर्डर आता है हर स्टेट में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा डिफर करता है पर प्रोसीडिंग्स लगभग सेम ही रहता है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया मैं थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर पाई हूँ आपका लाइफ पे Thank you very much for watching and please like, subscribe this channel.